डेथ वारंट पर सुनवाई टल गई है तो इस वक्त की बड़ी खबर, अब 7 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। निर्भया के दोषियों के डेथ वारंट पर जो सुनवाई चल रही थी वो अब टल गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई टली है। अब 7 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में इस पूरे मसले की सुनवाई होगी। जो उम्मीद की जा रही थी कि आज डेथ वारंट पर कोई फैसला सुनाया जा सकता है, लेकिन अब ये सुनवाई टल गई है। 7 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। नोटिस वो मिलेगा हमें जेल से, उसके बाद हम जो रिप्लाई देंगे आपको बताएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अभी बात करनी है हमें कन्विक्ट से। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो कन्विक्ट है हमारे जेल में, जिनके बारे में आज फैसला हो रहा है, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, उनके बारे में हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मुकेश पेश होगा, उससे बात करेंगे। बाकी रेमेडी और क्या रहती है आपके पास? अक्षय कुमार की जो भी आगे के लिए जो भी लीगल प्रोसीडिंग भारत के संविधान में शत्रुघ्न सिंह चौहान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में हमें लीगल रेमेडीज दी हैं, लैंडमार्क जजमेंट है, उसके आधार पर हम सभी लीगल प्रोसीडिंग यहां करेंगे। बेशक मीडिया प्रेशर है, पब्लिक प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर भारत के संविधान में नहीं कहा गया है कि प्रेशर के आधार पर डिसाइड कर देना। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब गाइडलाइन जारी हो गई सुप्रीम कोर्ट से तो जेल मैनुअल्स में उस तरह से संशोधन क्यों नहीं किए गए? जेल मैनुअल संशोधन करना, दे आर मेकर ऑफ लॉ, हम तो ओविडेंट हैं, लॉयर हैं, हम तो कानून मानने वाले हैं, कानून में विश्वास करते हैं। हमारा काम है अर्जी दाखिल करना, डिसाइड करना उनका काम है। एपीसी जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप अब तक कामयाब रहते हैं डिले करने में, क्या बोला रहे हैं? डिले करने में नहीं, अगर किसी गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर को भारत के संविधान के अनुसार न्याय दिलाना गलत है तो मैं ये गलती कर रहा हूँ। हम भारत के संविधान, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, इन सबको मानते हैं और देश के संविधान में पूरा भरोसा करते हैं, और मैं समझता हूँ देश की सभी माननीय अदालत भी भारत के संविधान को मानेगी और मान रही है, उसी पर आगे चलेंगी। 7 जनवरी को अब डेथ वारंट पर सुनवाई होगी, क्योंकि आज की जो सुनवाई थी वो टल गई है। शिव संवाददाता अनिशा हमारे साथ बनी हुई हैं और शिव भी हमारे साथ बने हुए। अनिशा का रुख करते हैं, अनिशा क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल? दीपाली बिल्कुल, आपको बता दें जो हाल ही की जानकारी है वो यही है कि 7 तारीख तक फिर से एक बार ये फैसला डेथ वारंट है टल चुका है, और जो एक तरह से देख सकते हैं जो कोशिश है एपी सिंह की वो एक तरह से कामयाब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इतने समय से हम देख रहे हैं कि उनकी यही कोशिश थी कि इस फैसले को डिले किया जाए और एक बार आज फिर से अभी जो डेथ सेंटेंस अभी फैसला सुनाने वाला था होने वाला था उस पर फिर से एक रोक लग गई और 7 जनवरी को डेथ सेंटेंस का फैसला सुनाया जाएगा। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एपी सिंह की पूरी कोशिश है कि दोषी जो भी दोषी है उन्हें फांसी से बचाया जा सके। शुक्रिया अनिशा ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब 7 जनवरी को अगले मामले, इस पूरे मसले की सुनवाई होगी। निर्भया की मां को लगातार इस मामले के लिए आगे बढ़ रही थी और कह रही हैं कि इस मामले को लटकाया जा रहा है, एक बार फिर से ये देखने को मिला है, क्योंकि अब आज इस मामले पर सुनवाई टल गई है। 7 जनवरी को होगी।